पूरा हिमाचल प्रदेश बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है। पहाड़, पेड़, मकान, सड़क, सब कुछ सफेद हो चुका है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने कैनवास पर ब्रश में लिपटा सफेद रंग पोत दिया हो। लाहौल स्पीति, किन्नौर, मनाली, कुल्लू और कांगड़ा में नए साल पर भी बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे पारा लगातार गिर रहा है। उस पर सर्द हवाओं ने मुसीबत और बढ़ा रखी है। बर्फबारी के बीच चलती शीतलहरी शरीर में नश्तर की तरह चुभ रही है। हिमाचल प्रदेश में 4 और 5 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में बारिश और मध्य पर्वतीय इलाकों में शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति में अभी भारी बर्फबारी के आसार हैं। सूबे में 9 जनवरी तक मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 4 और 5 जनवरी के लिए पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है। जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे हैवी स्नोफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। हिमाचल प्रदेश के जो निचले इलाके होंगे, लो हिल्स वाले इलाके हैं, वहाँ पे 4 और 5 तारीख को हिल स्टॉर्म भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर में गिरावट आ सकती है। 4 और 5-6 जो तारीख हैं इसमें जो रेनफॉल स्नोफॉल रहेगी। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते लगातार हो रही बर्फबारी सैलानियों के लिए मुंह मांगी मुराद जैसी है, तो वहीं स्थानीय निवासियों के लिए मुसीबत। लगातार गिरते पारे ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। तापमान में भारी गिरावट आने से पानी जमना शुरू हो गया है, जिससे पीने के पानी का संकट खड़ा होने के साथ लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। सर बस लकड़ियाँ जला जला के, सर सवेरे 10 बजे यहाँ धूप नहीं आती, सवेरे 10 बजे के यहाँ पे आग जला देते हैं। काम करना बड़ा टफ है यहाँ पे, फिर भी 5-6 बजे तक हम लकड़ियाँ जला जला के काम करते हैं। हिमाचल की चोटियों पर हुई ताजा बर्फबारी और कई निचले क्षेत्रों में बारिश होने से समूचे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात को देखते हुए हिमाचल सरकार ने सभी जिला प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है। हिमाचल प्रदेश में अभी आगामी 2-3 दिन में बर्फबारी की संभावना बताई जा रही है। कुछ जगह ज्यादा बर्फबारी होने की भी संभावना है, खासतौर से हमारा ट्राइबल का क्षेत्र और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, और उसमें जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हिदायत दे दी गई है कि सभी जगह जो भी मदद की दृष्टि से जिन चीज़ों को तैयार रखने की आवश्यकता है वो भी तैयार रखें। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर अगले 3 दिन जारी रहने वाला है, जिसे देखते हुए सैलानियों को बेहद सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम और बर्फबारी के दौरान ऊंचे क्षेत्रों की ओर न जाने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी का दौर जारी है। बनिहाल में हुई ताजा बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। वहीं राजौरी के पहाड़ी क्षेत्रों में 3 फीट से अधिक की बर्फ गिरी है। पुंछ में नियंत्रण रेखा और सटे क्षेत्रों में भी भारी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने कश्मीर के 7 जिलों के साथ लेह और करगिल के पर्वतीय इलाकों में हिमस्खलन और बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है। उधर उत्तराखंड में भी मौसम के तेवर लगातार सर्द बने हुए हैं। केदारनाथ में लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान -5 डिग्री जा पहुंचा है। पूरे केदारनाथ परिसर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। यहां 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। चमोली जिले में बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब समेत ऊंचाई वाले इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई है। बर्फीली हवाएं चलने से पहाड़ी इलाकों में लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।